एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अमीन इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो सी टेट का एग्ज़ाम जुलाई 2019 में कंडक्ट होने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पेपर वन और पेपर टू है उसकी क्या क्या इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका पेपर वन है जो कि प्राइमरी स्टेज वाला होता है क्लास वन टू फिफ्थ का लिए, उसके लिए क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास क्लास ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा अगर आपने डी एल एड कर रखा है या फिर फाइनल ईयर में है डी एल एड के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास इन अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2+ ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब दोस्तों, अगर आपने 45% मार्क्स के साथ क्लास ट्वेल्थ पास करिए और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है या फिर उसकी फाइनल ईयर में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को आपने कंप्लीट किया है ट्वेल्थ के बाद या फिर उस 4 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर जो डी एल एड था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में हो या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसके फाइनल ईयर में हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर दोस्तों, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है उसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में आपको 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो कि NCTE से रिकॉग्नाइज होता है, वो आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के अपॉइंटमेंट के अंदर 2 साल के अंदर आपको जो ये टेस्ट है 6 मंथ का, ये कंप्लीट करना पड़ेगा ब्रिज कोर्सेज। इसके अलावा दोस्तों, जो पेपर टू है यानी एलिमेंट्री स्टेज वाला क्लास 6 to 8 वाला, इसकी अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2+ ईयर डिप्लोमा। मतलब दोस्तों, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डी एल एड के फाइनल ईयर में है या फिर डी एल एड आपने कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा 1 ईयर वाली डिग्री है बीएड की या फिर उस डिग्री के फाइनल ईयर में है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास 45% मार्क्स के साथ अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए और 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स हैं और इसके अलावा आप 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी स्टेज वाले में, सॉरी सेकेंड एलिमेंट्री स्टेज वाले में क्लास 6 to 8 में। और दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA, BSc, EAD और BA, EAD और BSc, EAD। यानी अगर इन चारों कोर्सेज में किसी भी आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या आपने कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन। यानी अगर आप 1 ईयर BEd के स्पेशल एजुकेशन में हैं और आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज बाय द NCTE इज एलिजिबल टू अपेयर इन TET सीटेड। मोरोवर, एज पर द एग्जिस्टिंग TET गाइडलाइंस सर्कुलर नंबर NCTE लेटर डेटेड 11 February 2011, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज बाई NCTE और RCI एज द केस में भी स्पेसिफाइड इन द NCTE नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू अपेयर इन द TET सीटेड। मतलब जो दोस्तों, फाइनल ईयर में आपका कोई भी टीचर कोर्स के फाइनल ईयर में है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, उसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखी हुई है।
और दोस्तों इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो परसेंटेज थी यहाँ पे 50%, इसके अंदर 5% तक का रिलैक्सेशन होगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सी टेट का एग्जामिनेशन फॉर्म था ऑनलाइन फॉर्म, उसको फिल करने का प्रोसेसर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।